विशेष शर्मा। विशेष शर्मा, क्या हुआ था तुझे? मेरे अंगूठे में एकदम बैठे बैठे बहुत दर्द हो गई थी 8 बजे। हाँ। तो क्या कहते हैं, बहुत दर्द हो रही थी, वो ठीक ही नहीं हो रही थी। तो फिर डॉक्टर के पास गए हड्डियों वाले, तो उन्होंने क्या कहते हैं वो वहाँ पे एक्सरे करा, तो एक्सरे में कुछ आया नहीं, फिर वो अपने आप से कहते मांस फटा है। तो उसके बाद पट्टी करी, वो बेल्ट लगाई उन्होंने मतलब, तो उसके बाद आराम नहीं पड़ा अगले दिन तक। दवाई भी दिखाने की भी लगाने की भी नहीं आराम पड़ा। तो अगले दिन वो जो आपने दीप वाला प्रोसेस बताया हुआ है, तो वो दीपक जलाया, तो आधे घंटे बाद उसका वो तेल यहाँ पे मला, 5 मिनट के अंदर दर्द पूरी गायब हो गई। पूरी गायब होकर खाने लगा उसका। तालियां बजा दो भाई, बोलो सत्य सबसे अच्छे। और आप वीडियो देखे, वीडियो के नीचे कमेंट भी देखे, आगे ना समझ में, उन कमेंटों में कम से कम बहुत सारे लोगों ने ये बता दिया है कि हमने दीप की क्रिया की, दीपक वाली, और हमें लाभ हुआ। अभी इस बच्चे ने बताया अंगूठे में दर्द हो गया, डॉक्टर से ठीक नहीं हुआ, डॉक्टर ने लास्ट नहीं बोल दिया मांस फट गया है, पट्टी की दवाइयां दी, 24 घंटे के बाद भी जब वो ठीक नहीं हुआ, बच्चे ने दीप दान किया शनिदेव महाराज को, उसका घी तेल लगाया, और 5 मिनट के बाद दर्द कहाँ गायब हो गया पता ही नहीं चला। कितनी अच्छी बात है, इससे अच्छी कोई बात? आपके जीवन में भगवान शनिदेव की महिमा छा जाए, आपके जीवन में उसकी तरंगे आ जाए, और वो भी इतनी सुखद की आपके जीवन के कष्ट काट के आए, तो कितनी बड़ी बात है। इससे आपको सौहार्द, शांति और सत्यता का पता चलता है कि इस देश में आज भी हम हिंदुओं के पास और मुस्लिमों के पास, सिखों के पास और ईसाइयों के पास शब्द की ऐसी ताकत है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास ऐसी बुद्धि है जिसको हम दीप दान देना चाहें उसी को वो लगे, तो इसमें मलिनता आ जाती है कई बार, और बाह्य जो मलिनता है वो हर चीज़ को छूती है। तो इसलिए साक्षी मानकर मनु भैया को जब आप दीप दान करते हैं तो सीधा सीधा शनिदेव ग्रहण करते हैं, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। और फिर उसके बाद जैसे ही आप उसका घी तेल अपने सर में लगाते हैं और अपने शरीर पे लगाते हैं और चाटते हैं, तो आपकी बहुत सारी क्रियाएं खत्म हो जाती हैं। अभी भी मेरे सामने एक परिवार बैठा हुआ था, उन्होंने बताया जब से वो करने लगे हैं, पहले लड़के को उच्चाटन हुआ, यानी कि प्रेत जो है वो अंदर से हिल गया, और उस प्रेत को जो है ना भारी वो मात्रा में फिर आपको खाज खुजली होने लगती है, लेकिन 5-7 दिन जहां गुजरे फिर वो सारी चीजें बंद होती हैं, उल्टोत्तर आप ठीक होते चले आते हैं। और कहीं भी आप शर्म मत मानिए, आपको किसी ऐसे अंग पे भी लगाना पड़ रहा है तेल घी, क्योंकि आप भगवान के बच्चे हैं, और वो अंग भी उसी तत्व का बना है जिस तत्व के आपके बाकी अंग बने हैं। माथा जिस अंग का बना है, ऐसे आपके गुप्तांग आदि भी उसी तत्व के बने हैं, वही पंच तत्वों के बने हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। जहाँ भी आपको पीड़ा होती है, दर्द होता है, तो वहाँ भी आप वो तेल और घी लगा सकते हैं और चाट सकते हैं। चाटेंगे आप तो आपके पेट में जितनी भी मलिन क्रियाएं हैं, जितने भी यंत्र मंत्र तंत्र हैं, वो सारे धीरे धीरे करके निकल जाएंगे। 1.25 महीने के अंदर आपके घर में रोशनी आ जाएगी और देवता की किरणें आपके घर में घूम जाएंगी, और वो किरणें जब घूमेंगी तो आपके यहाँ हमेशा उजाला रहेगा। फैक्ट्री हो, किसी की व्यापारिक बाधा होती हो, तो वो इस काम को करे अपने यहाँ हमेशा, तो व्यापारिक बाधा दूर हो जाएगी। किसी की फैक्ट्री में, व्यापारिक जगह पे, अपनी दुकान पे भी हमेशा ये क्रिया करते रहे, क्योंकि आप एक दीपक तो रोज जलाते हैं। अब उस दीपक को मनु भैया के नाम से साक्षी मानकर शनिदेव महाराज को दान कर दीजिए, 3 बजे से 6 बजे के बीच में। आप कहीं भी है, आप अपनी पूजा का नियम बदल लीजिए, संध्या के समय दान कीजिए, 3 बजे से 6 बजे के बीच में। वैसे तो संध्या का समय कम ही समय का होता है, लेकिन फिर भी अगर किसी को समय नहीं मिलता तो वो सुबह शाम भी कर सकता है और साक्षी मानकर दीप दान कर सकता है। आधे घंटे बाद ये सोचिए कि शनिदेव आ गए हैं आपके घर में, आधे घंटे बाद उसमें से तेल और घी लीजिए और फिर उसको चाट लीजिए और या पी लीजिए, और दीपक उतना बड़ा लीजिए जिसमें से आपके पूरे परिवार के मस्तक पे भी लग जाए, चाट भी ले और बदन पे भी लग जाए जहाँ जहाँ दर्द होता है, तो आप देखेंगे आपको राहत मिल गई। ऐसा दरबार दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये भूत प्रेत का दरबार तो होता है, लेकिन यहाँ पर सर घूमने की इजाजत नहीं है, यहाँ पर उस तरह से भूत प्रेत नहीं निकाले जाते हैं। माँ बहन बेटियों की लाश रखी जाती है और सबको सौहार्दता के साथ, सत्यता के साथ ये भी पता चल जाता है कि हमें इनसे डरना नहीं है, इनसे बात नहीं की जाती है, इनसे बात करना गुनाह है, ये उल्टा आपके मन बुद्धि की पकड़ कर लेंगे, आपकी नाड़ियों पे विशेष दबाव दे देंगे, आपकी आंखें घूम जाएंगी, बल पड़ जाएगा, आंखों में मलिनता आ जाएगी, और
आपकी कमर के जोड़ जोड़ के हिस्से को ये दुखा देंगे, आपकी नाड़ियों को कमज़ोर बना देंगे, दुर्बल बना देंगे। इसलिए आपको इन सब चीज़ों से बात नहीं करनी अगर किसी की इस तरह की हाजिरी आती है, उल्टा उसको एकांत में छोड़ देना है और डरना नहीं है बिल्कुल भी। आधे घंटे बाद कोई भी हाजिरी अगर आप नहीं बोलते हैं तो बंद हो जाती है, किसी की ज़्यादा भी चल सकती है, लेकिन आप देखेंगे जब आप मेरे पास आ रहे हैं दो चार बार में सब गायब हो गया, सब ठीक हो गया, तो आपको लाभ मिल गए। अभी सवेरे से ये मैं जो वीडियो बना रहा हूँ चौथी वीडियो है, और चार वीडियो में लोगों ने ये बताया हम ठीक हो गए या हमारी ऐसी ऐसी समस्याएं दूर हो गई। इसके बीच में चार आदमी ऐसे जा चुके हैं जो पूर्ण रूप से ठीक हो गए और उनकी मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि भीड़ की अधिकता है। लेकिन इस बच्चे ने जब दीपदान की क्रिया बताई कि मैंने एक दीपदान किया और उस दीपदान से मुझे ये रहस्य पता चला कि आप जो बोलते हैं वो सत्य बोलते हैं, तो हमने इसकी वीडियो बनाई है। बोलो सच्चे दरबार की जय, सबसे अच्छे दरबार की जय, शनिदेव महाराज की जय। अब शनिदेव पे यकीन आ गया तेरा। अब आपको जो नीली रोशनी दिखाई देती है क्योंकि इनकी नील वर्ण आभा है, तो जब आप जाप करते हैं तो शनिदेव महाराज की तरंगे आपको मिलती हैं क्योंकि आप दरबार से जुड़ चुके हो। बोलो जय शनिदेव। करीम भैया को फॉलो करते हो, करीम खान को? हैं, वेरी गुड।